नमस्ते जी, मैं दीपाक्षी मंटू अपनी किचन में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम अपनी किचन में अपनी पसंद की सब्जियों को मिक्स करके रेडी करेंगे, यानी कि आज हम मिक्स वेजिटेबल रेडी करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। विंटर सीजन में गर्मा गर्म मिक्स वेज खाने का मजा ही अलग है। किसी भी फंक्शन में मिक्स वेजिटेबल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फूड डिश होती है। तो आज हम अपनी किचन में पार्टियों वाली मिक्स वेज रेडी करने जा रहे हैं। कुछ सिंपल स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप इसे घर पर ही बहुत आसानी से रेडी कर सकते हैं। ये बहुत हेल्दी भी होती है। चलिए तो मिक्स वेजिटेबल बनाना स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम सभी वेजिस को शैलो फ्राई करेंगे। तो उसके लिए हमने पैन रख लिया है और उसमें ऑयल गर्म कर लेते हैं। इसके लिए आप अपनी पसंद का कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। पोटैटोज़ को पकने में टाइम ज़्यादा लगता है, तो पहले हम पोटैटोज़ को शैलो फ्राई कर लेते हैं। डेढ़ मिनट के लिए पोटैटोज़ को शैलो फ्राई करने के बाद अब इसमें हम कैरेट ऐड कर लेते हैं और इसी तरह से एक डेढ़ मिनट हम कैरेट को भी शैलो फ्राई कर लेते हैं। अब हम इसमें कॉलीफ्लावर भी ऐड कर लेते हैं और फ्रेंच बीन्स भी। वेजिस आप अपने टेस्ट के हिसाब से कोई भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चलिए तो इन्हें स्टर भी कर लेते हैं। इसके लिए फ्लेम को हम मीडियम ही रखेंगे। एक मिनट के लिए हमने कॉलीफ्लावर और फ्रेंच बीन को भी शैलो फ्राई कर लिया है। तो अब इसमें हम कैप्सिकम भी ऐड कर लेते हैं। अब लास्ट में इनमें हम मटर ऐड कर लेते हैं। मटर को पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, इसलिए हम इसे लास्ट में ऐड करेंगे और एक मिनट के लिए मटर को भी इनके साथ पका लेते हैं। इन्हें हम स्टर कर लेते हैं। वेजिस को हम कवर नहीं करेंगे क्योंकि कवर करने से ये ओवर कुक हो जाती है। सभी वेजिस को हमने शैलो फ्राई कर लिया है, मटर भी शैलो फ्राई हो गए। तो अब हम गैस को ऑफ कर लेते हैं। वेजिस को हमने कुल टोटल 6 मिनट शैलो फ्राई किया है। अब इन्हें हम प्लेट में निकाल लेते हैं और मैरिनेट कर लेते हैं। अब 1/2 टेबल स्पून इसमें हम सॉल्ट ऐड कर लेते हैं। हाफ टेबल स्पून आमचूर पाउडर है, इसे भी इस पर स्प्रिंकल कर लेते हैं इस तरह से। और अब इसमें कश्मीरी रेड चिली पाउडर भी स्प्रिंकल कर लेते हैं। अगर आप रेगुलर रेड चिली पाउडर ऐड करना चाहें तो आप उसे भी इसमें ऐड कर सकते हैं। चलिए तो इन्हें मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए, मिक्स होने के बाद वेजिस कितनी बढ़िया लग रही है। इन्हें साइड पर रख लेते हैं। अब उसी पैन में हम इसकी ग्रेवी रेडी कर लेते हैं। अगेन इसमें हम मस्टर्ड ऑयल ऐड कर लेते हैं। ऑयल को इसमें हम कम ही ऐड करेंगे और जब ये गर्म हो जाए तो सबसे पहले इसमें हम बे लीफ यानी तेज पत्ते को ऐड करेंगे। इस तरह से खड़े मसाले ऐड करने से इसका फ्लेवर बढ़िया आता है। अब इसमें हम बड़ी इलायची यानी ब्लैक कार्डेमम को ऐड कर लेते हैं और ये ग्रीन कार्डेमम यानी छोटी इलायची है। इसमें हम 1 इंच का टुकड़ा दालचीनी का भी ऐड करेंगे और लौंग को भी। 1/2 टेबल स्पून इसमें हम जीरे को ऐड कर लेते हैं और ये लहसुन पेस्ट है। अब इसमें हम चॉप किया हुआ अनियन ऐड कर लेते हैं और इसमें थोड़ा सा सॉल्ट भी ऐड कर लेते हैं। जैसे ही अनियन गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो हम इनमें टमाटोज को ऐड कर लेंगे। इसके लिए फ्लेम को हम हाई रखेंगे। अब इसमें हम बेसिक मसाले जैसे हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और जीरा पाउडर को भी ऐड कर लेते हैं और इसमें थोड़ा सा बटर ऐड और इन सबको मिक्स कर लेते हैं। मसाले पक गए हैं तो अब इसमें से हम आधा मसाला बाउल में निकाल लेते हैं और उसका ग्राइंडर में पेस्ट बना लेते हैं। पर जो खड़े मसाले हैं वो इसमें हम ऐड नहीं करेंगे। जब हम मसाला निकालें तो उसमें खड़े मसाले ना निकालें। ये इलायची है, इसे इसी तरह से बीच में रहने दें और आधा मसाला हम निकाल लेते हैं। मसाला ठंडा हो गया तो अब इसे हम जार में ऐड कर लेते हैं। थोड़ा सा इसमें हम पानी ऐड कर लेते हैं
और इसे ग्राइंड कर लेते हैं। ये इसका पेस्ट रेडी हो गया, ये देखिए इस तरह से। अब इस पेस्ट को हम ग्रेवी में ऐड कर देते हैं। अब इसमें से हम तेज पत्ते को निकाल लेते हैं और इसमें थोड़ा सा वाटर ऐड कर लेते हैं। ये मसाला रेडी हो गया है, अब इसमें हम वेजी सेट कर लेते हैं। अगर किसी वेजी को आप इसमें से स्किप करना चाहें तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अब इसमें हम पनीर ऐड कर लेते हैं और इसे मिक्स कर लेते हैं। अब एक चम्मच इसमें कसूरी मेथी को हम हाथों से क्रश करके इसमें ऐड कर लेते हैं और चाट मसाले से भी इसमें टेस्ट बहुत अच्छा आता है, इसलिए आप इसमें चाट मसाला भी ऐड कर लें। अदरक को जूलियन कट करके इसमें हम ऐड करेंगे, इस तरह से इसमें बहुत बढ़िया लगते हैं। और एक ग्रीन चिली को भी हमने चॉप किया है, उसे भी इसमें ऐड कर लेते हैं। अब फाइनली इसे और यमी बनाने के लिए आप चाहें तो इसमें बटर ऐड कर सकते हैं। वेरी न्यूट्रिशियस और हेल्दी मिक्स वेज बनकर रेडी है। बटर आप चाहें तो इसमें येलो वाला ऐड कर लिए, और अगर आप होममेड बटर भी इसमें ऐड करना चाहते हैं तो आप उसे भी इसमें ऐड कर सकते हैं। चलिए अभी से हम सर्व करते हैं। इसे हम ग्रीन कोरिएंडर के साथ गार्निश भी कर लेंगे। मेरी इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका थैंक्स। मिलते हैं नई वीडियो में नई रेसिपी और नए आइडिया के साथ।